प्रहलाद की बयार है और तेजस्वी जी की सरकार हो, ऐसा लोगों का मानना है। चुपचाप लोग ललटेन छाप पर वोट कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश है और सब लोगों ने वोट ललटेन को दिया है। मिनिमम हम यहाँ 20 से ऊपर से चुनाव जीतेंगे, इधर उतार के भी सात पाप वही कर रहे हैं। सातों सामाजिक पाप कर्म को अंगीकार करने वाला व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव थे, आज मतदान हो रहे थे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। बात करेंगे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह हमारे साथ है। शक्ति जी, किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, चुनाव लगभग समाप्त होने वाले हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? आप लोग तो घूम करके आए हैं, कुशेश्वर स्थान घूम रहे हैं, हम लोग के पास भी अपने जो कार्यकर्ताओं का सोर्स है, छिटफुट कई तरह के गुंडागर्दी बूथों पर दिखा, प्रशासन की कहर को जनता ने स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को मत देने का काम किया। जिन इलाकों में भ्रमण किए होंगे, जहां गुंडाई ज़्यादा हुआ, पोखराम के इलाका में, पोखराम पंचायत के इलाका में, हिरनी बिरौल का इलाका में, हिरनी पंचायत जो देख रहे हैं इस इलाके में, अब चले जाइए सोनपुर पघार के इलाका में, चले जाइए आप उष्टी पंचायत में, इसका पूर्वी में चले जाइए, ये सभी पंचायतों में जबरदस्त तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान लोगों ने करने का काम किया है। शासन के लोग, शासन के पदाधिकारी, मंत्री, संतरी, इनके चट्टे बट्टे सब लोगों ने जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया, 2 तारीख को देखिएगा कि धन बल पर जन बल भारी पड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने मान तो लिया, पहले ही मान लिया, और अब कुशेश्वर जो चुनाव हुई है, उपचुनाव, इनके नकारापन के चलते, इनके नकारापन के चलते ये लोग काल के गाल में समाये हमारे सम्मानित विधायक, लोगों में आक्रोश है। कोई विकास का काम नहीं हुआ 15 वर्षों में, कोल भील की जिंदगी जीने पर विवश यहाँ के लोग हैं, उस तरह से जिंदगी जीते हैं, आवागमन नहीं, पानी नहीं, नाव से लोग आते जाते हैं, अब विकास का ढिंढोला पीटते हैं। बदलाव की बयार है और तेजस्वी जी की सरकार हो, ऐसा लोगों का मानना है। चुपचाप लोग ललटेन छाप पर वोट कर रहे हैं, किसी तरह का कोई झांसे में नहीं आ रहे हैं, पैसा लोग ने बिकने का काम किया, जबरन लोग साड़ी धोती बांट रहे हैं, घर घर जाकर के पहुंचाया है, सारे वीडियो आप लोग के सामने आए सोशल मीडिया पर, किस तरह के SDPO SDM बिरौल की जो गुंडागर्दी खुल करके आया, थाना प्रभारी कुशेश्वर स्थान की जो गुंडागर्दी हुई, बगल में हमारे मुसर टोली में जाकर करके जिस तरह से SI अपने पुलिस कर्मियों को साथ ले जा करके माता और बहनों पर डंडा बरसाया, लोगों में आक्रोश है और सब लोगों ने वोट लालटेन को दिया है। मिनिमम हम यहाँ 20 से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। RJD की लड़ाई किससे है, JDU से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से या कांग्रेस से? जदयू कोई पार्टी है जी? जोगाड़ टेक्नोलॉजी का एक फिरकी है, जदयू कोई पार्टी नहीं है, ये परजीवी है, अमीबा है, मतलब अमान है, किसी से लड़ाई नहीं। अरे हम तो कह रहे ना कि जदयू अगर अलग कर दीजिए तो कुल जदयू नाम का चीज़ें अब है ही नहीं। आप सोचिएगा कि जदयू कहीं है तो नहीं है। तो मेरा मन साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी और मजबूती से जीतेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास आंकड़ा नहीं है तो कैसे सरकार बनाइएगा? वह सवाल उठता है, चुनाव जीतने दीजिए, भारी भगदड़ मचेगी चारों तरफ, डुबती जहाज पर कोई सवारी करता है क्या? आप तो लोग पत्रकार हैं, आप लोग जीवार व्यक्ति भी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या कहावत है, डूबते हुए नाव पर कौन सवारी करता है जी? अब नीतीश जी इतिहास के पन्नों में चले गए, वो अभी काले अध्यायों में। अब नीतीश जी की सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया, कल से उनको महात्मा गांधी जी का जो नाम लेते हैं 7 सामाजिक पाप कर्म का बोर्ड लगाए, उनको उतार के बिगड़ना चाहिए, एकदम उतार के बिगड़ना चाहिए, 7 पाप वही कर रहे हैं। सातों सामाजिक पाप कर्म को अंगीकार करने वाला व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है, उनको उतार कर गाड़ा देना चाहिए। गांधी जी को क्यों आप बेच रहे हैं बाजार में भाई, क्यों गांधी जी की दुहाई देते हैं? सारे आपके शासन प्रशासन के लोग किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, कहां कहां से पोस्टिंग कर दिया आपने, चुनाव आयोग ने हटाया सारे भ्रष्टाचारी को, मैंने रंग रोगन देख करके, ब्लड देख करके
डिप्लॉयमेंट हुआ है, उसके बावजूद भी हम यहाँ भारी मतों से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव जीतेगी राष्ट्रीय जनता दल। कुशेश्वर स्थान का फीडबैक आपके पाले में नहीं आ रहा है, कई जगह हमने भी कवर किया, वहाँ आपके पाले में जिस तरीके से माहौल है वो नहीं आ रहा था, तो क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या? अरे आप जहाँ जहाँ शहरी इलाका में कुछ कुछ जगह गए हैं जहाँ पर मेंटालिटी कुछ डिफरेंट है, तो उन इलाकों में आप जा कर के आपने तहकीकात की तो वहाँ के मतदाता आपको बोलेंगे थोड़ी है, लोगों ने नोटा में वोट डाल दिया, लेकिन लीजिएगा तो बोलेगा कुछ कुछ, लेकिन वोट सब दिया लोग ललटेन में, कहीं हैं कहीं नहीं है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से लगातार ऑडियो वायरल आपने आप लोगों ने किया और आज की फीडबैक की अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऑडियो वायरल के बाद जो आप लोगों ने दावा कर रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, दोनों सीट जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कुशेश्वर स्थान में हो सकती है? यह बताने की ज़रूरत है क्या कि जहाँ SDO धमकी दे रहा हो डीलर को कि तुम कैसे किसी को पार्टी का अथी कर रहे हो भाई, उनके बाबूजी की जागीर है क्या डीलर? एक करस्तानी जो किया SDM बिरौल, कार्रवाई करनी चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। ऑडियो वायरल होने के बाद कुशेश्वर का थाना प्रभारी जो रॉयल ब्लड के लोग हैं, कार्रवाई होनी चाहिए थी। मुसर टोली में जाकर औरत और मर्द को जिस तरह से पिटाई किया, वोट डालने जबरन डलवाने के लिए साड़ी दिया गया, जबरदस्ती घर पर बिगा गया, धमकी दिया गया। हम तो सैल्यूट करते हैं मतदाताओं को कि सबको नकार करते चुपचाप ललटेन छापर वोट देने का काम किया। ये कहीं तब पता है जी जदयू का, जी जदयू अब कोई विषय रह गया बिहार के अंदर में, कहे कोई भी सही नहीं है, वो काले अध्याय में चले गए, सामाजिक पाप कर्म चलने चले, सब 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 गांधी बाबा को बदनाम करते हैं, वोट लगा मान रहे कि दोनों सीट दोनों सीट तो वहाँ तो लड़ाई ही नहीं है। तारापुर में तो बहुत दूर की लड़ाई, दूर दूर बहुत पीछे, बहुत कई किलोमीटर पीछे है जदयू, यहाँ भी कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी, उतना गिनिएगा तो बहुत पीछे रहेगा, कहीं है कहाँ। तो ये थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने कहा है कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है, चाहे वो तारापुर में तो दूर दूर तक कहीं लड़ाई नहीं है, वहीं कुशेश्वर स्थान में भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अब देखने वाली बात है जब 2 तारीख को परिणाम आता है तो किस तरीके से जीत होती है किसकी। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देता रहेगा, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।